खबर जाने पूरे झारखंड और देश विदेश से छुटनी देवी को पद्मश्री सम्मान डायन कहकर गांव घर से निकाल दी गई थी। झारखंड की छुटनी देवी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। इस महिला को कभी डायन कहकर घर गांव से निकाल दिया गया था। 62 साल की छुटनी महतो के नाम के आगे अब भारत का श्रेष्ठ सम्मान पद्मश्री जुड़ गया है। एक समय ऐसा भी था कि घर वालों ने डायन के नाम पर न सिर्फ उसे प्रताड़ित किया बल्कि घर से बेदखल भी कर दिया था। रामगढ़ में कृषि गव्य और मत्स्य विभाग की झांकी को मिला पहला पुरस्कार। 72वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रामगढ़ उपायुक्त संदीप सिंह ने मंगलवार को जिला मैदान में आयोजित समारोह के दौरान झंडा तोलन किया। मौके पर जिले में बेहतर कार्य करने के लिए पुलिस कर्मियों, चिकित्सकों और प्रशासनिक पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान 10 अलग अलग विभाग की ओर से झांकियां निकाली गई थी। इसमें कृषि गव्य व मत्स्य विभाग द्वारा निकाली गई आकर्षक झांकी को पहला पुरस्कार मिला। 28 से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में शुरू होगी फिजिकल क्लास। खबर है रांची से। वैक्सीन आने के बाद सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कोरोना के कारण बंद सभी संस्थानों को फिर से खोलने की तैयारी चल रही है। इसी बीच राज्य के सबसे बड़े कृषि संस्थान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि कॉलेज में 28 जनवरी से कक्षाएं एवं शोध कार्य भौतिक रूप से शुरू किया जाएंगे। इसके लिए कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह के द्वारा एक आदेश सोमवार को शाम को निकाला गया था। रांची में राज्यपाल और दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने फहराया तिरंगा। झारखंड में गणतंत्र दिवस का उल्लास रहा। कल 72वां गणतंत्र दिवस समारोह मना। देश के हर हिस्से में गणतंत्र दिवस का धूम रहा। झारखंड के राजधानी रांची में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। यहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झंडा फहराया। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में पुलिस लाइन में तिरंगा झंडा फहराया। झारखंड में अब तक 54% लोगों को लगा कोरोना वायरस का टीका। 69 केंद्रों पर चल रहा है टीकाकरण। राज्य में सोमवार को टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई, जिसमें टीकाकरण की रफ्तार में थोड़ी तेजी आई। हालांकि लक्ष्य के विरुद्ध 54% स्वास्थ्य कर्मियों के ही टीके लग सके। राज्य के विभिन्न जिलों में सोमवार को 69 केंद्रों पर कुल 3,616 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ। लक्ष्य 6,770 स्वास्थ्य कर्मियों का टीका लगाने का था। व्यापारी मापतोल उपकरणों का सत्यापन के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। मापतोल से संबंधित विभिन्न सुझावों को लेकर कल फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष प्रवीण जैन छावड़ा के नेतृत्व में मापतोल विभाग के नियंत्रक कृष्ण चंद्र चौधरी से मिला। चैम्बर द्वारा सुझाए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं जो केंद्रीय स्तर के हैं, यथा अन्य विभाग के तर्ज पर मापतोल विभाग में भी मापतोल उपकरणों के सत्यापन को 1 वर्ष के साथ ही 5 वर्ष का विकल्प देने को उन्होंने केंद्र सरकार के पास प्रेषित करने की बात कही। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि झारखंड में मापतोल विभाग के सारे कार्य ऑनलाइन संचालित हो रहे हैं। खबर है धनबाद से। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा विकास से कोई मतलब नहीं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को राज्य के विकास से कोई वास्ता नहीं है। बैंक में हजारों करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन पैसों विकास के कार्य में लगाने पर रोक लगा दी रखी है। ये बातें भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने बरुआ अड्डा के अपना ढाबा में पत्रकार से बातचीत करते हुए कही। मरांडी दुमका से रांची जाने के दौरान सोमवार की शाम यहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जिले में केवल मिनरल फंड का लगभग 300 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा हुआ है। सरकार उन पैसों को खर्च करने पर रोक लगा रखी है, विकास कैसे होगा। टाटा मोटर्स ने यात्री वाहनों के बढ़ाए दाम, जाने कितनी हुई बढ़ोतरी। कच्चे माल की कीमतों पर लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए टाटा मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों की रेंज में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। कंपनी की वाहनों की रेंज में बढ़ोतरी की घोषणा का असर टाटा मोटर्स के शेयरों पर भी पड़ा। कंपनी के शेयर पिछले दिन 0.36% की गिरावट के साथ 289.40 रुपये पर बंद हुआ। झारखंड में निजी क्षेत्र के 75% पद होंगे स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित। ध्वजारोहण के बाद सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में उन्होंने झारखंड को लेकर कई बड़े ऐलान किया। कहा कि निजी क्षेत्र के 75% पद को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग की भावना के अनुरूप नई स्थानीय नीति परिभाषित कर रहे हैं।
सीएम ने ऐलान किया कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में कर्मी की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई जा रही है। शिक्षक व पुलिस भर्ती के लिए भी हम जल्द नियमावली ला रहे हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री ने झारखंड वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। किसानों को सरकार दे सकती है सौगात, पीएम कुसुम योजना का होगा विस्तार। फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बार कोविड-19 महामारी को देखते हुए मुद्रित बजट पेश नहीं किया जाएगा। ऐसी संभावना जताई जा रहा है कि इस बजट में सरकार किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने, उनकी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट में कुछ खास योजनाएं की जा सकती है। इस बजट में पीएम कुसुम योजना का फिर से विस्तार किया जा सकता है। साथ ही सोलर पंप की स्कीम के तहत किसानों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। जम्मू के हरम नजोत सिंह को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। महिला सुरक्षा से जुड़ा ऐप बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने की सराहना। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले देश के 32 होनहार में जम्मू के हरम नजोत सिंह भी शामिल है। हरम नजोत को 2021 राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरम नजोत को यह पुरस्कार कोरोना काल में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े एक मोबाइल ऐप को बनाने के लिए दिया गया है। जम्मू के 13 साल के हरम नजोत सिंह को बीते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पीएम से बात करने के बाद हरम नजोत सिंह ने कहा कि पीएम ने उन्हें भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने उन्हें अपने जुनून को आगे बढ़ाने की बात कही और उन्होंने इतने बड़े पुरस्कार के बाद भी उसे अंत ना समझने की बात कही है। वही पीएम नरेंद्र मोदी ने हरमजोत सिंह को निष्काम भावना से देश की सेवा में लगे रहने की बात कही है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न नेताओं ने 72वें गणतंत्र दिवस की दी बधाई। देश कल अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने देशवासियों की बधाई दी। अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। गणतंत्र दिवस परेड समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर किए। देसी विदेशी शराब से लदी मिली प्रदर्शनकारी किसानों की ट्रैक्टर। दिल्ली पुलिस ने किया सिज। जो आशंका शुरू से जताई जा रही थी वह सही साबित हो हुई। किसान आंदोलन के नाम पर देश विरोधी ताकतें देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा फैलाने की साजिश लंबे समय से रच रहे थे। आज वो आशंका सच साबित हो गया जब दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के नाम पर पत्थरबाजी, आगजनी और गुंडागर्दी हुई। इस बीच पुलिस ने शराब से भरे एक ट्रैक्टर को सीज कर लिया। सामने आए फोटो में देखा गया कि पूरा ट्रैक्टर शराब से भरा हुआ है, यानी शराब के नशे में ट्रैक्टर को चलाया जा रहा था। देश और विदेश शराब से भरे इस ट्रैक्टर में नमकीन और पैकेट्स भी हैं, जबकि ट्रैक्टर रैली के लिए जारी की गई गाइडलाइन के साफ तौर पर लिखा था कि इस दौरान किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित होगा। ये तस्वीरें सवाल उठाती है कि क्या वाकई में ये आंदोलनकारी किसान है। कल फिर फेक न्यूज ट्वीट पर की सनसनी फैलाने की कोशिश। ट्रैक्टर पलटने से हुई किसान की मौत। राजदीप ने कहा, पुलिस की गोली लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में कल गणतंत्र दिवस को किसानों के ट्रैक्टर पलटने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। आईटीओ के पास किसान प्रदर्शनकारियों ने हिंसा शुरू कर दी। किसानों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। आंदोलनकारी किसानों ने पुलिस टीम पर पलटवार और लाठी डंडे हमला कर उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश भी की। इसी दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक किसान नवनीत सिंह की मौत हो गई। लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप के प्रोपेंडा पक्ष का राजदीप सत्यशाही ने फेक न्यूज ट्वीट कर दी। सनसनी फैलने की कोशिश के बाद वे हल्ला होने पर कल की तरह आज का भी ट्वीट डिलीट कर दिया। राजदीप ने ट्वीट पर लिखा, पुलिस फायरिंग से आईटीओ पर 45 साल के नवजीत की मौत हो गई। किसानों ने मुझे बताया कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने बाबरी मस्जिद के नीचे खोजा राम मंदिर। वैज्ञानिक तरीके से ढूंढ निकाला पांडवों का इंद्रप्रस्थ। मिला पद्म भूषण सम्मान। जिन 7 लोगों को इस वर्ष देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए चुना गया है, उनमें प्रोफेसर बज्रवासी लाल का नाम भी शामिल है। उन्होंने
1968-72 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख के तौर पर काम किया था। उनके बारे में जानने लायक सबसे खास बात यह है कि उन्होंने ही बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर के दबे होने की बात बताई थी, जिसके कारण दुनिया भर के वामपंथी इतिहासकारों उनकी आलोचना की थी। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कोरोना की वजह से परेड देखने नहीं आ सके भारत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानवता को कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से मुक्त कराने के लिए दोनों देशों मिलकर काम कर रहे हैं। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर बोरिस को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को मद्देनजर अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। किसानों के उपद्रव पर बोले राहुल गांधी, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। जवाब मिला, सब तुम्हारा किया धरा है। दिल्ली में 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा निकाले जा रहे ट्रैक्टर परेड को ढाल बनाकर उपद्रवियों ने दिल्ली के अंदर घुसकर भारी उत्पात मचाया। हालत यह हुई कि भारी संख्या में उपद्रवियों ने लाल किले पर चढ़कर अपना झंडा लगा दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस ने मौके को अपने कंट्रोल में ले लिया और उस झंडे को हटा दिया। वहीं इस उपद्रव को देखते हुए राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पर लिखा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश को ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। हालांकि राहुल की इस अपील पर उन्हें ही ट्वीट पर खरी खोटी सुनने को मिली। कई यूजर ने उस उपद्रव को लेकर उन्हीं पर निशाना साधा। वहीं एक यूजर ने राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया कि दिल्ली में जो भी कुछ भी हुआ है वह सब राहुल का ही षड्यंत्र है। राहुल गांधी के सेना वाले इस बेतुके बयान पर भड़के सैन्य अधिकारी, कहा तुरंत माफी मांगे राहुल। राहुल गांधी भारतीय सेना को लेकर उल जुलूल बयान अक्सर देते रहते हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कहा LAC पर सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर सैन्य अधिकारी खपा हो गए और माफी की मांग कर रहे हैं। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि सशस्त्र बलों पर बयान देने से वर्दीधारी अधिकारियों का मनोबल गिरता है और वे सशस्त्र बलों के लिए अपमानजनक है। खुश हुआ पाकिस्तान, कहा लाल किले पर भारतीय झंडा हटाकर फहरा दिया गया खालिस्तान का झंडा। पिछले लगभग 2 महीने से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने कल ट्रैक्टर रैली निकाली। इसी दौरान कुछ उपद्रवी लाल किले घुस गए और जहां तिरंगा फहराया जाता है वहां अपना झंडा फहरा दिया। उपद्रवियों की इस करतूत के बाद पाकिस्तान बहुत खुश हो गया। पाकिस्तान ने इसे ऐतिहासिक करार दिया। पाकिस्तान फर्स्ट ने अपने ट्वीट में लिखा, भारतीय ध्वज हटाकर खालिस्तान का ध्वज लगाया गया, यह ऐतिहासिक क्षण है। टेलीग्राम का कर रहे हैं इस्तेमाल तो हो जाइए सावधान, हैकर्स इस तरह चुरा रहे हैं आपका डेटा। जानिए कैसे चुरा रहे हैं आपके डाटा। बीते कुछ समय से प्राइवेसी पॉलिसी के विवाद की वजह से व्हाट्सएप के कई यूजर्स ने दूसरे ऐप का रुख कर लिया है, जिनमें से एक है टेलीग्राम भी। आज के समय में करोड़ों लोग इसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी इसके यूजर हैं तो जरा सावधान हो जाइए। दरअसल टेलीग्राम हैकर्स का नया हथियार बन गया है। रिपोर्ट्स की माने तो हैकर्स टेलीग्राम ऐप के बाट का इस्तेमाल करके फेसबुक यूजर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एक्सेस कर रहे हैं और लगभग 500 मिलियन फेसबुक यूजर्स का फोन नंबर टेलीग्राम पर बॉट के जरिए बेचा जा रहा है। लौंडा नाच को जीवन काल देने वाले रामचंद्र मांझी, डायन प्रथा के खिलाफ लड़ रही छुटनी देवी, दोनों को पद्मश्री सम्मान। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री पुरस्कार देने का ऐलान हुआ है। कुल 119 नामों की सूची में कई से नाम है जिनके संघर्ष की कहानी लंबी है। इन्हीं में 2 नाम रामचंद्र मांझी और छुटनी देवी की है। दोनों को सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसमें से एक ने लौंडा नाच के नाम पर समाज में एक गायब होती परंपरा का जीवन दान दिया है और दूसरी ने डायन जैसी कुरीति की भुक्तभोगी होने के बाद इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। रामविलास पासवान को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण, उनके नाम है अनूठा रिकॉर्ड। पापा की याद में भाव हुए चिराग। लोजपा के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें 51 साल के बेताग राजनीतिक जीवन के लिए दिया गया है। उनके बेटे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भावुक है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापा की अंतिम सांस तक उनके साथ खड़े थे। पापा के जाने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने पापा को हमेशा सम्मान दिया।
तो पद्म भूषण पुरस्कार के लिए मेरे परिवार और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार है। ऐसे में हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं। कम्युनिस्ट से हिंदू बने नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली, पहली बार पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा। कार्ल मार्क्स के पदचिन्हों चलते हुए धर्म को अफीम मानकर जिंदगी भर नेपाल के हिंदू राजतंत्र का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब पहली बार सोमवार को पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। पीएम ओली ने विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा की और 1.25 लाख दीप जलाए। यही नहीं, नेपाली पीएम ने पशुपति मंदिर को सनातन धर्मावलंबियों के पवित्र स्थल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। ओली नेपाल के पहले ऐसे कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री हैं जो इस मंदिर में गए हैं। आइए जानते हैं कि ओली के अचानक हृदय परिवर्तन के पीछे क्या क्या वजह है, जानेंगे आगे। पर खेल जगत से रविचंद्रन अश्विन ने आधी मूछों के साथ मैच खेलने का किया ऐलान। अगर चेतेश्वर पुजारा ने पूरी करी उनकी शर्तें, उससे पहले रविचंद्रन अश्विन ने चेतेश्वर पुजारा पर शर्त लगाई है। दरअसल अश्विन ने पुजारा को एक चैलेंज दिया है। भारत के इस स्टार स्पिनर ने कहा कि अगर पुजारा इंग्लैंड के स्पिनर्स की गेंद पर उनके सिर के ऊपर शॉट लगा देंगे तो वो अपनी आधी मूछों को कटवा देंगे। विक्रम राठौर से अश्विन की मद्देदार बातचीत टीम इंडिया के बल्लेबाज कोच विक्रम राठौर के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर अश्विन ने एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो अश्विन ने उनसे पूछा कि क्या हम सभी देख पाएंगे कि पुजारा आप स्पिन गेंद पर आगे निकलकर हवाई शॉट खेलेंगे। इस पर विक्रम राठौर ने जवाब दिया, कार्य प्रगति पर है, मैं पुजारा को राजी करने की कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम एक बार हवा शॉट में जरूर खेले। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।